48 cases have been identified in India and 12 Indian states. But more importantly, they have been very localized. One patient here, or two patients here, or seven here. So it is very localized. लगातार बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि अभी सभी जो 36 जिले हैं उन्हें लेवल 3 में रखा जाएगा, यानी कि इसके पहले जो लेवल 5 रखी गई थी, जो 36 जिले थे जिनमें अगर पॉजिटिविटी रेट कम होता है तो उन्हें लेवल 1 में रखकर कुछ रियायत दी जा सकती थी, इस फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने फिलहाल स्थगित दी है। आपको बताना चाहेंगे, लगातार पिछले 4-5 दिनों से 9000 के ऊपर मामले सामने आ रहे हैं मुंबई समेत महाराष्ट्र में। डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो एक चिंता का विषय बना हुआ है। कल रत्नागिरी में इसके वजह से एक 80 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई है, और टास्क फोर्स के जो मेंबर है उनका कहना है कि ये बढ़े हुए मामलों के लिए लोग जिम्मेदार हैं। इस समय हम खड़े हैं मुंबई से सटे कलवा नाका पर, और यहाँ का नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बस स्टैंड है, और बस के लिए यहाँ पर लोगों की लाइन लगी है। हालांकि न्यूज़ 18 इंडिया का कैमरा जब यहाँ पर पहुँचा तो कैमरा देखते हुए कई लोगों ने अपने मास्क मुंह पर चढ़ा दिए, लेकिन साफ तौर पर आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अभी भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। ना ही महानगर पालिका का कोई यहाँ पर मार्शल मौजूद है जो लोगों को मास्क ना लगाने पर या कोरोना के नियम ना फॉलो करने पर फाइन लगाए। Covishield and Covaxin work against the variants of SARS-CoV-2, Alpha, Beta, Gamma, as well as Delta. That is well established for these two vaccines. This virus has also been isolated and has been cultured now.